देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। जियो आया और लोगों को फ्री कॉल और सस्ते डेटा की आदत लगा दी। जियो इफेक्ट से भारत में फोन की दरें दुनिया में सबसे सस्ती हो गई। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भारत में मिलने लगा। लेकिन इस प्राइस वॉर ने टेलीकॉम कंपनियों को घाटे मिला दिया। अब घाटे से उभरने के लिए टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल टैरिफ बढ़ा रही हैं। दिसंबर की शुरुआत में ही सभी टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में 30-40% तक का इजाफा किया है। अब माना जा रहा है कि साल भी टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल बिल में इजाफा कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स और एनालिस्टिक्स के मुताबिक इस साल टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल टैरिफ में 25-30% का इजाफा कर सकती हैं। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने पिछले साल के आखिर में प्रीपेड टैरिफ में 14-33% की बढ़ोतरी की थी। मोबाइल बिल में ये बढ़ोतरी पूरे 3 साल बाद की गई थी। लेकिन दिसंबर में शुरू हुआ मोबाइल टैरिफ बढ़ोतरी का सिलसिला इस साल भी जारी रहेगा। टेलीकॉम कंपनियां क्यों मोबाइल बिल में इजाफा कर रही हैं, इसके पीछे कई वजह है। टेलीकॉम कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU में बढ़ोतरी नहीं हुई है। भारत में टेलीकॉम सर्विसेज पर सब्सक्राइबर्स का कुल खर्च दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR की बकाया रकम भी सरकार को चुकानी है। ऐसे में मोबाइल कंपनियों को टैरिफ में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले वोडाफोन आइडिया की हालत तो और खराब है। बढ़ते घाटे और कर्ज की वजह से माना जा रहा है कि वोडाफोन भारत से अपना कारोबार समेट सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR की बकाया रकम चुकाने के लिए सिर्फ 23 जनवरी तक का समय दिया है। AGR की बकाया राशि चुकाने और घाटे से उभरने के लिए ही टेलीकॉम कंपनियों ने दिसंबर में टैरिफ बढ़ाए थे। टैरिफ बढ़ोतरी के बावजूद भारत में टेलीकॉम सर्विसेज पर खर्च प्रति व्यक्ति आमदनी के 0.86% ही है। ये खर्च 4 साल पहले की तुलना में काफी कम है। आज भी भारत टेलीकॉम खर्च के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, चीन, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस से काफी पीछे है। देश में गिरते टेलीकॉम खर्च की वजह से कंपनियों को अपनी लागत निकालनी भारी पड़ रही है। इसलिए ही कहा जा रहा है कि इस साल भी टेलीकॉम टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन फोन के बिल में बढ़ोतरी से सरकार की डिजिटलाइजेशन की मुहिम को भी झटका लग सकता है। अभी तक सस्ते डेटा से लोगों के लिए डिजिटल दुनिया से रूबरू होने में आसानी हो रही थी। यानी मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी ग्राहकों के साथ साथ सरकार को भी भारी पड़ सकती है।